Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज है day 11 of our free spoken English course. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं past perfect continuous tense. I hope आपको पिछली सारी videos अच्छी लग रही होंगी और आप उनको ज़रूर देख रहे होंगे. ठीक है students, तो चलिए students start करते हैं अपनी आज की video on past perfect continuous tense. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सबसे पहले हम रूल ही लिखते हैं ऑफ दीज टेंसेस, तो सबसे पहले इसका भी मैं रूल लिख लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो इसका आता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, कॉन्टिन्यूस है तो V1 ING एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज़ ऑप्शनल. ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, और अब एक सेंटेंस बना लेते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो सिंपल ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने एक सब्जेक्ट लिया, बाकी सब कुछ मेरा रूल में था. सब्जेक्ट ले लिया मैंने आई हैड बीन, तो आना ही है वॉचिंग अ मूवी. अब इस सेंटेंस से स्टूडेंट सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैं एक मूवी देख रही थी. ठीक है, एक ऐसा इवेंट हम बताना चाहते हैं जो पास्ट में हुआ है बिफोर अनदर इवेंट. ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस रहा है. ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस रहा है इन द पास्ट. ठीक है, तो आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी. और जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम टाइम का रेफरेंस देते थे, यहाँ भी हम टाइम का रेफरेंस ज़रूर देंगे. ठीक है, तो आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, वी कैन से सिंस मॉर्निंग. ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है कि सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और फॉर हम यूज़ करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया. अब स्टूडेंट्स हम एक दो सेंटेंसेस और ले लेते हैं विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. लेट्स से वी हैड बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स. क्या बन गया हमारा सेंटेंस कि हम तीन घंटों से कुकिंग कर रहे थे. ठीक है, लाइक दिस यू आर सेइंग. ठीक है, नाउ एक और सेंटेंस लेते हैं हम. लेट्स से अगर हमने बोला है यू हैड बीन लविंग पेट्स सिंस चाइल्डहुड. ओके, सेंटेंस बन गया यू हैड बीन लविंग पेट्स सिंस योर चाइल्डहुड. आप बचपन से पेट्स को प्यार करते आ रहे हो. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. एनी इवेंट इन द पास्ट, कोई ऑनगोइंग इवेंट था जो पास्ट में हुआ था, कोई ऐसा इवेंट जो कंटिन्यू रहा पास्ट में बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट. ठीक है, जो पास्ट में थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहा. ठीक है, तो हम इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाएंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की और उनके नेगेटिव, और फिर उनको हम फॉर्म करेंगे इन क्वेश्चन फॉर्म्स. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस हो कि सीमा अपनी डॉल से सुबह से खेल रही थी. ठीक है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग. ठीक है, तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि सीमा जो है सुबह से अपनी डॉल के साथ खेल रही थी. इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, सीमा हैड नॉट बीन. बस इतना ही हमने बनाना है, हैड नॉट बीन प्लेइंग, बाकी सब एज इट इज़ ही आ जाएगा.
ओके स्टूडेंट्स, तो सीमा हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो नहीं खेल रही थी। अगर इसी का हमने क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हैड सीमा बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग? सी स्टूडेंट्स, मैंने कैसे क्वेश्चन बनाया? हैड सीमा बीन प्लेइंग विद अ डॉल सिंस मॉर्निंग? क्या सीमा सुबह से डॉल के साथ खेल रही थी? तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे हमने बोला हो सीमा सुबह से किस चीज़ के साथ खेल रही थी, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? वॉट हैड सीमा been playing with since morning? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, WH फैमिली से क्वेश्चन बनाया। कैसे बनाया? मैंने क्या बोला कि सीमा सुबह से किस चीज़ के साथ खेल रही थी, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे था कि वो डॉल के साथ खेल रही थी। अब देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है? हमने बोला हैड सीमा बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग, क्या वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी? और दूसरा क्वेश्चन है वो किस चीज़ के साथ सुबह से खेल रही थी, ठीक है। वॉट हैड सीमा बीन प्लेइंग विद सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किस चीज़ के साथ खेल रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज किए हैं, और एक क्वेश्चन हमारा WH फैमिली से बना है और एक क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम रहता है रूल जो मैंने आपको क्वेश्चंस के लिए बताया था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका मेन वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेन वर्ब जो है हमारा ING फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आई हैड बीन सफरिंग, आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, या फिर इस बार टू ले फॉर ले लेते हैं, फॉर टू डेज, ठीक है। हमारा सेंटेंस बन गया आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर टू डेज, मैं दो दिनों से बुखार से सफ़र कर रही थी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर टू डेज, मैं दो दिनों से फीवर से नहीं सफ़र कर रही थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हैड आई बीन suffering from fever for two days, question बन गया students, same आ गया, had I been suffering from fever, ठीक है, for टू डेज, इस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हमने बनाना हो इस तरह से कुछ कि आप दो दिनों से किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे, तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? मैं किस चीज़ से दो दिनों से सफ़र कर रही थी, तो आई हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम बोल रहे हैं कि तुम किस चीज़ से दो दिनों से सफ़र कर रहे थे, तो वॉट हैड यू बीन सफरिंग फ्रॉम फॉर टू डेज, इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चंस बनाने आ गए हैं विथ WH फैमिली ऑल्सो एंड विथ हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद है आपको क्या करना है? आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। इसको लाइक भी ज़रूर करना है, इसको शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं फॉर 1-on-1 ट्रेनिंग, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमें मैसेज कर सकते हैं 8800 5742111।
वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर वो वन ऑन वन जुड़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप हमारे वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हो एट दिस नंबर। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।